हम इसको हाँ से फेंक देते हैं। ये हाँ ₹20 ₹25 तो कम नहीं करेंगे और देखिएगा रेट। और लीची क्या रेट लगा रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये हरे भरे से पूरे पौधे और रंग बिरंगे फूल देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। और हम आज उनको स्कूल छोड़ के आए थे, मतलब आज उसका प्रैक्टिकल था, तो उसको जैसे ही ड्रॉप करके वापस जा रहे थे तो यहाँ हमको ये सारे पौधे दिख रहे हैं। अक्सर ये भैया संडे को ही आते हैं और बहुत सारे पौधे यहाँ लेके मतलब रोड साइड पे लगाते हैं और इनकी बिक्री भी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि हर कोई सोचता है ना कि दूर नर्सरी जाने से अच्छा अगर पास में ही सारी चीजें मिल जाए तो बहुत अच्छा। और इस सीजन में तो बहुत सारे पौधे हम खुद भी खरीद के नहीं ला पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहा है तो कुछ ला नहीं पाए, तो लगा कि चलो कुछ लेके चलते हैं। और ये मनमानी रेट भी कभी कभी लगाते हैं, तो सही रेट उसी को समझ में आता है जो गार्डनिंग हमेशा करता है ना, तो उसको पता रहता है कि ये क्या रेट लगा रहा है क्या नहीं। और जो नया बंदा देखते हैं तो नया बंदा देख के ना फिर ये बढ़िया से उसको काटते हैं, मतलब उससे पैसे वसूलते हैं। तो हम लोगों के साथ नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों को तो हर चीज़ों की रेट मतलब लमसम हमेशा देते रहते हैं तो पता ही होते हैं। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं ना विंटर्स के जो आप सीड से ही नेक्स्ट ईयर आसानी से ग्रो कर सकते हो, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ही प्लांट्स थे। लेकिन कुछ पौधे हमको इसलिए लेने थे क्योंकि वो कलर हमारे गार्डन में नहीं देते, इसलिए यहाँ पे हम कुछ कुछ प्लांट्स देख रहे थे जो मिल जाए। और आज था मुनमुन का प्रैक्टिकल, तो मॉर्निंग में उसको स्कूल ड्रॉप किए तो वापसी में यहाँ कुछ पौधे देख रहे थे। और एक दो लीची के पौधे हम लोग ऑर्डर कर चुके थे ये भैया जी को, तो वो लीची के पौधे भी लेने थे। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ किस तरीके से पौधे रोड साइड पे यहाँ बिकते हैं। और ये भैया लाते हैं सारे प्लांट्स, तो बस वही खरीदारी कर रहे हैं। तो पौधे तो बहुत सारे हो गए थे जो लाना एक बार में मुश्किल था, तो कुछ पौधे मतलब दो तीन बड़े बड़े जो प्लांट्स थे वो हम उनके पास ही छोड़ के आ गए कि दोबारा में जब मुनमुन को लेने जाएंगे स्कूल से तो लेके आएंगे। और बाकी के देखिए हम कैसे लेके आए हैं, कुछ मतलब कुछ भी हम लेके नहीं गए थे, ये था कि थोड़े बहुत ही लेके आएंगे। लेकिन वहां जाते ही ना मेरा मन ललचने लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, तो भैया से ही हम उनकी बोरी मांग ली है और उसमें सारे पौधे लेके आए। पापा भी घर पे थे लेकिन उनको घर में कुछ काम लगवाए थे तो इसलिए वो कार लेके नहीं आ पाए, नहीं तो कार से सारी चीजें आसानी से आ जाती। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम जो भी पौधे लाते हैं ना तो हमको स्कूटी में इसी तरह से लाद फान के ही लाना होता है और अच्छा लगता है। तो जब मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे पौधे पौधे खरीद ले तो फिर वो ना जुगाड़ बना ही लेते हैं हम किसी ना किसी तरीके से लाने का। और आज तो फिर हमको अकेले ही लेके आना था, नहीं तो अक्सर जब भी जाते हैं लेने तो मम्मी को ले लेते तो वो पीछे बैठ जाती, अगर वो होती तो फिर सारे पौधे एक बार में ही आ जाते। लेकिन घर में भी बहुत सारा काम था तो चलिए फटाफट से ये सारे पौधे निकाल लेते हैं जितने भी हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेके आए हैं।
तो बाकी के तीन बचे पौधे, एक ये फूल का था नाम याद नहीं, और ये दो लीची के पौधे दोबारा जाके लेके आए जब हम उनको स्कूल से लेने गए थे। और जो फ्लावर्स आपने देखे उनमें से जिनिया के बहुत सारे थे जो गर्मियों के लिए थे तो मैंने ले लिए, और कुछ जो सर्दियों वाले थे वो इसलिए ले लिए कि उनके सीड कलेक्ट करके रख लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अब यहाँ शाम का टाइम हो चुका है और आज बनाने वाले थे मिर्च के पकौड़े, तो सबसे पहले उनको अच्छे से धुल लिया है। वॉश करने के बाद इस तरीके से बीज से कट कर देंगे और सारे जो भी इनके बीज है वो निकाल लेंगे। और आज इस रेसिपी में छोटी सी जो मिस्टेक हुई है वो भी हम आपको बता देते हैं। रेसिपी में मिस्टेक नहीं हुई है, एडिटिंग में मिस्टेक हो गई। कि क्या हुआ कि गलती से दो क्लिप डिलीट हो गई, एक तो बेसन का घोल तैयार करने का और दूसरा इसे छानने के टाइम का। तो फिर भी मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है, माइंड मत करिएगा, कभी कभी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ चावल को भिगो के रख लिया है, प्याज कटे हुए हैं, हरी धनिया, नींबू, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा और लहसुन, तो ये सारी चीजें हैं। आलू को बॉयल करके पहले ही रख लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि मसाला जो आलू का तैयार कर रहे हैं वो सरसों तेल में ही करेंगे जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी। तो इसके बाद इसमें डाल दिया मैंने जीरा, और जीरे के साथ थोड़ा सा हींग डाल दिया है। तो हींग से थोड़ा डाइजेशन ठीक रहता है, इसलिए हींग हम कोशिश करते हैं कि हर इस तरह की रेसिपी में ऐड कर ही दे। उसके बाद प्याज को डाल दिया, और प्याज को अच्छे तरीके से थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो कभी कभी इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। देखिए कल ही आपके साथ मैंने अपना शेयर किया कि कैसे हम शूटिंग एडिटिंग और अपलोडिंग करते हैं, और आज मेरे साथ ये हो गया। तो हो गया ना मेरा पोपट, लेकिन क्या करे, फिर भी मैंने कहा कि चलो जो है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, और हो जाता है कभी कभी। हाँ, सबके साथ होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे ही प्याज फ्राई हो गया था तो चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, और साथ में ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक मसाले में, जिस हिसाब से आपको नमक चाहिए। नमक का ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि जब बेसन का घोल तैयार करते हैं ना तो उसमें भी नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो ये ध्यान में रख के ही आप इसमें नमक ऐड करिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो सूखे मसाले हमने डाले हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद इसमें मैश किया हुआ आलू ऐड कर देंगे और धनिया ऐड कर देंगे, साथ में आधा कटा नींबू जो है वो ऐड कर देंगे, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि धनिया का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद पकौड़े के लिए बेसन का जो घोल तैयार करेंगे उसके लिए भी एक हल्का सा मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले उसमें ले लेंगे जो भिगोया हुआ चावल था वो, और थोड़े जो लहसुन की कलियां थी वो, और साथ में हल्का नमक और हल्का सा चाट मसाला ऐड करके उसको एक पीस के फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। उससे क्या होता है ना, बहुत करारे से पकौड़े बनते हैं। और फिर उस पेस्ट को हम बेसन के घोल में डाल के और नमक अपने हिसाब से ऐड करके उसका बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। और फिर बेसन का घोल थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा जिससे कि पकौड़ों में वो अच्छे तरीके से लिपट जाए और पकौड़े अच्छे से बने। तो बस इसी तरीके से फिर आप ऑयल में इसको फ्राई कर लीजिए और आपके पकौड़े तैयार हो जाएंगे। वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई इसलिए मैंने कोशिश की कि अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँ। तो मसाला भी तैयार हो चुका है। तो आई होप आपको आज का कटा छटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, जो कि बाई मिस्टेक थोड़े क्लिप्स डिलीट भी हो गए हमसे, फिर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए इस तरीके से ये पकौड़े तैयार हुए थे, और जो मैंने मसाला तैयार किया था तो वो थोड़े बच गए थे, तो उसकी आलू टिक्की भी मैंने बना दी थी इस तरीके से, और बना बहुत ही टेस्टी था। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मतलब फील हो रहा है ना कि दो क्लिप्स डिलीट हुए, फिर भी इस तरीके से आधा अधूरा ब्लॉग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हो जाता है कभी कभी। चलिए आप लोग हैं तो सपोर्ट अपना करते ही है मेरे साथ, तो बनाए रखिएगा सपोर्ट, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।